अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चीजी ड्रमस्टिक्स, बहुत ही ज्यादा यमी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो आप इस वीडियो को देखो और घर में जरूर ट्राई करो, क्योंकि ये इतनी मजे की बनती है ना कि आप लोग खाते रह जाओगे। तो इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, चीजी चिकन ड्रमस्टिक्स बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, चिकन की ड्रमस्टिक्स ली है मैंने 4 अदद, 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं छिलका उतार के बॉयल किए हुए, मोजरेला चीज लिया है ग्रेट किया हुआ 1 कप, चैटर चीज लिया है ग्रेट किया हुआ 1/2 कप, एक स्मॉल साइज का कटा हुआ प्याज लिया है, बिल्कुल छोटा छोटा हमने इसे काट लिया, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं, मस्टर्ड पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर आपके पास नहीं है तो मत डालें, जीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चीज़ी चिकन ड्रमस्टिक्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस ड्रमस्टिक को बॉयल कर लेंगे, मतलब पका लेंगे, और कैसे पकाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे और अब इसमें हम ये ड्रमस्टिक्स डाल देंगे। अब इन्हें हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये चारों तरफ से हल्की गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, तकरीबन 5 से 10 मिनट तो लगेंगे, चम्मच हम साथ साथ चलाते जाएंगे तो ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। अब साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुकी है, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं ये फ्राई होने में। अब इसमें हम डाल देंगे 2 ग्लास पानी के, 1 और ये 2, और साथ इसमें डाल देंगे लहसुन पाउडर। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन भी ले सकते हैं, फ्रेश लहसुन का पेस्ट ले लें आप 1/2 टीस्पून। तो ये हो गया, मिक्स कर लेंगे इसे और अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे हमने अच्छी तरह से बॉईल करना है, इतना अच्छे से कि ये चिकन है ये अलग हो जाए। और इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो चुके, तो ये देखिए पानी सारा खुश्क हो चुका है और ये गल भी चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम बोल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। चिकन हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसके रेशा रेशा कर लेंगे, ये देखें इस तरह, और स्टिक्स को अलहदा कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है ना इसको उतार लेंगे, और ये जो स्टिक है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम साइड पर रखते जाएंगे इस तरह, और इसी तरह हम साड़े कर लेंगे। ये जो इसका ऊपर वाला एक्स्ट्रा हिस्सा है ना इसको आप उतार लें, अगर उतर आया तो उतार लें, अगर नहीं तो रखें। तो ये देखिए हम चिकन के रेशा रेशा कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आपको चर्बी वगैरह लग रही है ना वो आप उतार लो। और अब इसमें हम आलू डाल देंगे जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे, ये आलू, और अब इन सारी चीज़ों को हम मैश कर लेंगे मैशर के साथ। तो ये देखिए ये सारा अच्छे से मैश हो चुका है, तो ये उतार लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए प्याज, काली मिर्च का पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, जीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चैटर चीज, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए सारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने एक बोल लेना है इस तरह करके,
और इसमें हमने एक ड्रम स्टिक रखनी है जो हमने उतार के रखी हुई थी, रख ली। और हम इसमें डालेंगे ये चीज़, चेडर और मोज़रेला, स्टफ़ कर देंगे और इसको हम बंद कर देंगे। तो ये हमने बना लिया, इसी तरह हम सारे बना लेंगे और इसे एक बाउल में रखते जाएंगे। अब हम ड्रम स्टिक पर कोट करेंगे। तो उसके लिए हमने दो अंडे लिए हैं, हसबे ज़रूरत हमने मैदा लिया है, सोया सॉस लिया है 1 टीस्पून, चिली सॉस लिया है 1 टेबलस्पून और हसबे ज़रूरत हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम अंडे में डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से हमने फेंट लिया। सबसे पहले हम इसे मैदे का कोट करेंगे। तो एक उठाएंगे, इसे हम मैदे पे कोट करेंगे कि बाइंडिंग अच्छी हो जाए। अब हम अंडे में कोट करेंगे। और ब्रेड क्रम्स में तब इसे हम यहाँ पे रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो अब ये रेडी है फ्राई होने के लिए। तो एक बर्तन ले लिया, ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया। अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दें, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ब्रेड क्रम्स हमारे जल जाएंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब एक एक इसमें डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। दो दो करके हम इसे फ्राई कर रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ तो कुक हुआ हुआ है, बस हमने इन्हें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे और ट्रे पर रखते जाएंगे। तो तैयार है हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा मज़े के चिकन चीज़ी ड्रम स्टिक। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से चीज़ कैसा लग रहा है। तो ये देखें, वाओ, जबरदस्त। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि कितना मजे का लग रहा है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से इतना सॉफ्ट, जूसी जूसी, मजे का, बहुत ही मजे का बना है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करो, इंजॉय करो और मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये चीज़ी ड्रमस्टिक्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पर क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बटन पर क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।